हे सिस्टर्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं विदाउट नेल पॉलिश रिमूवर के। आज की वीडियो में हम आप लोगों को 2 से 3 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हर घर में आसानी के साथ अवेलेबल होती हैं, तकरीबन हर घर में मिल जाती हैं। आपने उनको मिक्स करके अपनी नेल पॉलिश पर लगाना है और वो आसानी के साथ उतर जाएगी, किसी रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी उंगलियों पर नेल पॉलिश लगा ली है। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे नेल पॉलिश लगानी नहीं आती है, तो जैसी मैं लग रही थी मैंने लगा ली है, उल्टी सीधी जैसी भी उभरी हुई लग रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूख चुकी है और नहीं उतर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो अपनी नेल पॉलिश है जिसको आप उतारना चाहते हैं, उस पर सबसे पहले आपने पानी मलना है, जो यानी कि नॉर्मल पानी होता है जो हम पीते हैं, वो आपने इन पर मल देना है। तो अच्छी तरह से आपने इनको मलने के बाद जल्दी जल्दी मलना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक चीज़ चाहिए होगी जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, वो है ये दोस्तों, किसी भी टाइप की आपके पास टूथपेस्ट पड़ी है, कोलगेट की, सेंसोडाइन की, या कोसी भी, जो भी आप यूज़ करते हैं, तकरीबन हर बंदा यूज़ करता है, तो आपने थोड़ी सी निकाल लेनी है। निकालने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि जो नेल पॉलिश है ना, इसके ऊपर आपने रगड़ना है, इसको मीन्स के मलना है। अब क्या करूँ, लड़कों वाली ज़ुबान बोल रहा हूँ, लेकिन आपने इस पर रब करना है, मलना है, या जो भी आप बोलते हैं अपनी ज़ुबान में लड़कियों, वो आपने कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मलते रहना है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या दोस्तों कह दिया, जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे रहने देना है। और जब ये सूख जाए, आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है और अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद ये नहीं उतरेगा, अभी ये ना उतरेगा, लेकिन ये अभी नहीं उतरेगा, इसके बाद आपने 1 से 2 काम और करना है, और उसके बाद आसानी से उतर जाएगा बगैर कि ज़्यादा जोर लगाए, ठीक है। ये काम करने के बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है ये दोस्तों, कोई भी परफ्यूम आपके घर में पड़ा है, क्योंकि लड़कियाँ हों और परफ्यूम ना यूज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप परफ्यूम नहीं यूज़ करती हैं, तो आपका कोई भाई होगा जो ईथर यूज़ करता होगा, कोई यानी कि कोई बॉडी स्प्रे हो गया, कैसी भी चीज़ है ना, आपने उसको यूज़ कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि जैसे हमने थोड़ा सा लेना है और उसको अपना जो यानी कि जो हमारी ये नेल पॉलिश है ना, इस पर हमने लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मलना है, और ये जो कपड़े हैं यानी कि जो कपड़ा था आपके पास, उस आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह करना है, ये देखें उतरने लग गया है। अब दोस्तों, अगर ये फिर भी नहीं उतरता है, तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर यानी कि अक्सर नेल पॉलिश ऐसी होती है ना जो बहुत मजबूत होती हैं, वो नहीं उतरती हैं, तो आपने क्या करना है। तो दोस्तों, हम ये सबसे पहले उतारने की कोशिश करते हैं, अगर इसी से उतर जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा, अगर नहीं उतरती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। एक और चीज़ है, उससे ये 100% उतर जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर कुछ कुछ उतरने लग गई है, इससे तो हमारा आधा परफ्यूम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या होगा कि हर घर में ना तकरीबन मोटरसाइकिल होता है, तो हमें थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, एक उंगली ले लेनी है बस, यानी कि एक उंगली इसके अंदर लगाई और हमने क्या करना है कि अपने नाखूनों पर ऐसे ऐसे मल देनी है, यानी कि चंगा रगड़ लेना है अच्छा करके। उसके बाद दोस्तों, आपने दोबारा से वो कपड़ा लेना है और अच्छी तरह से इसको रगड़ने लग जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे होंगे, और मेरा जो सारी नेल पॉलिश है वो उतर गई है।